राम राम जी। अमित बोस नरवाना वर्ल्ड में बजाना भाई ने 566 यूट्यूबर इकट्ठे करके इतना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भाई को सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई, और भाई ने भी सब्सक्राइब करके टांग दी सिस्टम। राम राम जी, मैं आपका अपना अमित बोस नरवाना और वर्ल्ड में बजाना, और अपने साथ मौजूद आज राजू पंचिया भी। ये ब्रो इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत है नहीं भाई, क्योंकि पहले बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड, नेक्स्ट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो आज प्यारी सी मुलाकात करी है, और भाई साहब बहुत ही अच्छे इंसान है। थैंक यू। और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं भाई साहब। आने वाले प्रोजेक्ट कौन से हैं? बहुत अच्छे प्रोजेक्ट आने वाले। हम लोग एक फिल्म भी कर रहे हैं, तो फिल्म पे अभी काम चल रहा है। गाने थोड़े से मैंने कम कर दिए, क्योंकि फिल्म पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा कर रखा हमने। तो फिल्म की तैयारी कर रहे हैं, और फिल्म में जो सॉन्ग आएंगे उनकी तैयारी कर रहे हैं कि हरियाणा को एक अलग लेवल दिया जाए। तो हम लोग उस पर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक अलग मतलब कुछ लेके आए हरियाणवी बोली के लिए। अच्छा, किस चीज पे बेस है फिल्म? यूथ पे है, और कॉलेज लाइफ है कि जो हमारा हरियाणा और पंजाब थोड़ा मिक्स है उसमें, कि पंजाब का यूथ है और हरियाणा का यूथ है। तो ऐसा मतलब कुछ बेस रखा उसमें, तो बहुत कॉमेडी भी है, फन भी है, कल्चर भी है, सब कुछ है। अच्छा, फेवरेट सॉन्ग कौन सा आपका, जिसपे मतलब आपने मतलब भाई नो मतलब सबको से बढ़िया लग गया, मतलब जो आपके लिए फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, ऑसम एंड सो ऑन है? किसका किसका? खुद का? सारे हैं, देसी देसी है मेरा फेवरेट तो, वैसे क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे लोगों ने सुना है, तो बहुत प्यारा सॉन्ग है। और दूसरे का मतलब कोई किसी अन्य कलाकार का? सभी के अच्छे हैं यार, जो जो मतलब लोग सुनते हैं, जो हिट हैं, भाई केडी के हैं, जो नए नए बाल गा रहे हैं, जैसे गुलजार भाई है, तो गुलजार के भी बहुत अच्छे सॉन्ग चल रहे हैं। भाई बहुत अच्छा कर रहा है, और भाई अजय उड्डा है, रामिर मेला है, जितने मेरे प्यारे कलाकार हैं सारे दिन जो अच्छा काम कर रहे हैं, सबके बढ़िया है। अच्छा, कोई ऐसा गाना जिस पर आपने जमाने जोर ला दिया, दिन रात एक कर दी, तन मन धन समर्पित कर दिया, लेकिन उस लेवल का रिस्पांस नहीं मिला जिस लेवल का आपने चाहिए था? हाँ, मतलब इस लाइन में ना एक चीज तो है कि जिस सॉन्ग पे हम मेहनत करते हैं ना, वो सॉन्ग ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता, और जिस पे ज्यादा मेहनत नहीं लगती। जैसे देसी देसी गाना था, हम लोग बना रहे थे, मैं और जब म्यूजिक बना के मैंने रख रखा था, तो केडी भाई आया अचानक से, मैंने उनको सुनाया, तो केडी भाई बोले यार म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, ये करें इसको। तो स्थाई थोड़ी बहुत तो लिख रखी थी, पूरा भाई का मेरा ठीक था आइडिया, तो आइडिया भाई लेकर फटाफट कच्चे देसी लिख दिया। लिखने के बाद में मतलब ये मानो आप आधा पौना घंटा हमने इसका काम कर दिया गाने का, और ये गाना मिक्स भी नहीं हुआ फाइनल। आपको बता दूं, जैसे फाइनल फाइनल तार थे ना गाने को मिक्स करके, कि यार फाइनल आउटपुट क्या आएगी इसकी, वो भी नहीं किया था। डम्मी ही जो थी इसकी, वो रिलीज हो चुकी थी और डम्मी ही हिट हो गई थी इसकी। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया के अंदर 70% लोग गंदी चीजों को सुनते हैं, लेकिन अच्छी चीजों की इतनी प्रेज नहीं होती, वास्तव में प्रशंसा नहीं होती, लेकिन ऊपर ऊपर से प्रशंसा होती है, उसके बारे में क्या? इस चीज को लेके हम लोग भी टेंशन में है कि जो अच्छे गाने होते हैं, जो हम कल्चर गाने करते हैं, जैसे एक मेरा गाना आया था हरियाणा तो बदल गया, हंसी और मखोल कड़े कड़े गए वे लोग पुराने, दमन वाली झोल कड़े। कल्चर सॉन्ग लोग सुनना बहुत कम पसंद करते हैं, उसको कम लाइक करते हैं, कम व्यूज देते हैं लोग उसको, तो टेंशन भी होती है कि यार कल्चर को लोग कम पसंद करते हैं। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि कल्चर गानों को आप लोग ज्यादा सुने, क्योंकि कल्चर गानों से हमारे हरियाणा का बाहर ये पता चलेगा कि इनका कल्चर क्या है। अगर हमने अपने कल्चर को बढ़ावा देना है, तो कल्चर गानों को ज्यादा सुनना चाहिए, और जो गंदे गाने हैं या अजीब चीजें हैं उनको देखना बंद कीजिए। अच्छा, एक लेवल अचीव करने के बाद, चाहे कलाकार हो या यूट्यूबर हो, उसमें घमंड आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? माइंड पे कंट्रोल रखो भाई अपने, और नॉर्मल जिंदगी जियो, नॉर्मल जैसे आप पहले थे। अपना बैकग्राउंड चेक करो कि हमने स्ट्रगल कहाँ से किया था, ठीक है। लाइफ में उतार चढ़ाव आता रहता है एकदम, अगर आपने आप में एटीट्यूड या घमंड आ गया, तो एक लेवल ऐसा भी आएगा कि सदा आदमी हिट नहीं रहता, एनी टाइम हिट नहीं रहता आदमी, कभी तो डाउन आता ही है ना। जो चीज ऊपर गई उसने नीचे भी आना है, जिन सीढ़ियों से हम चढ़ेंगे वही सीढ़ियां वापस भी नीचे आती है ना। तो इसलिए ध्यान रखें कि वो सीढ़ियां वापस भी आएंगी, हमें उतरना भी है, तो इस चीजों पे ज्यादा ध्यान रहे। अगर आप नॉर्मल रहेंगे तो शायद आपका प्यार पूरी जिंदगी बना रहेगा लोगों के साथ में। जी बिल्कुल, बढ़िया। अच्छा, स्टारडम को एक या दो शब्दों में परिभाषित करना चाहो तो कैसे करोगे? मेरे पास तो स्टारडम के लिए कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं स्टारडम। अच्छा जी। अच्छा, फेवरेट कलर कौन सा आपका? ब्लैक। ब्लैक। अच्छा, फेवरेट आर्टिस्ट जिसको आप दिल से पसंद करते हो, काम के हिसाब से भी, इंसानियत के हिसाब से भी, वर्ल्ड वाइड कोई कहीं पे भी हो? वर्ल्ड वाइड? हाँ जी।
देखो मैं हरियाणा में अगर जिसको ज्यादा लाइक करता हूँ नेचर वाइज सवाइज केड़ी भाई है, वैसे मेरे सारे फेवरेट है क्योंकि मैं खुद अच्छा हूँ तो मेरे लिए सारे अच्छे हैं यार। सही बात है ना, सो बातें की बात, तो सभी अच्छे हैं मेरे लिए, सभी के साथ मेरी ज्यादा बनती है, अच्छी बनती है सभी के साथ में, कोई मेरी किसी के साथ में ये नहीं कि कोई कलाकार को मैं नहीं चाहता हूँ, चाहे बेसिक किसी को गाना आए चाहे ना आए वो तो एक अलग मैटर है कौन कैसा है ना, लेकिन मेरी सभी के साथ अच्छी है। अच्छा जी, बहुत सारे जो आपके चाहने वाले हैं, जिगर के छल्ले हैं, दर्शक हैं, जनता जनार्दन है जो गाने सुनती है, इतना प्यार देती है, उनके मन में एक ही सवाल है कि भाई आप कितने पैसे कमाते हो इस लाइन से, मतलब महीने की एस्टिमेट दे दियो, प्रॉपर ना बताइयो। देखो कलाकार, अभी देखो पहले एक अलग स्ट्रगल था हरियाणवी कलाकारों का, और जब से यूट्यूब एंड ये जो डिजिटल जो आया है उसके बाद में हरियाणवी कलाकारों की एक अलग रिस्पेक्ट हो गई है। पहले लोग ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं कराया करते थे, खुद हमारे हरियाणा के ही लोग नहीं कराया करते थे, पर दूसरे क्यों बताऊं, क्योंकि उस टाइम ना तो ज्यादा बढ़िया कपड़े पहन सकते थे, ना ज्यादा उड़ना पहनना ये वो। देखो अगर कलाकार बड़ा दिखेगा तो ऑब्वियसली कि लोग उसने चाहेंगे कि यार साफ सुथरा दिखा है, हम भी ऐसा बनना चाहते हैं, क्योंकि यूथ देखता तो यूथ ये चाहता है अगर ऐसे कपड़े, क्योंकि कलाकार हर चीज नहीं पहनता है, हर दिन नए कपड़े पहनता है, हर दिन नए जूते, तो हर कोई फॉलो करता उसको, इसलिए कलाकार को लोग ज्यादा चाहते हैं। तो इसलिए यूथ फॉलो करता कलाकार को, तो पैसे की बात थी, और पैसे की बात ये थी कि पैसा तो आनी जानी चीज है, पीछा फिर कमा ले, भाईचारा बना रहे, भाईचारा बहुत जरूरी है, पैसा तो कमाता रहता है कलाकार, कभी 20 लाख कमा ले चोखा सिस्टम हो जाता, 50 में भी हाथ मार ले आदमी है ना, ठीक बात। हाँ तो वो तो डिपेंड करता है कि आपको कैसी कैसी पार्टियां मिल रही हैं। सही सही बात है, टाइम अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलता है सिस्टम। अच्छा, बॉलीवुड में कभी आपने मौका मिला हो या किसी से बात हुई हो, या फिर मतलब जो हरियाणा में बड़ा लेवल पर उठ जाए क्या उनको मौका मिलता है या नहीं मिलता बॉलीवुड में, भाई मतलब जमा नेक्स्ट लेवल पर जो कलाकार पहुंच गया। बॉलीवुड में बहुत से बंदों से मिला हूं, और मिला जरूर हूं, शो ऑफ करने की मुझे आदत नहीं एक्चुअली में। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारा जो गाने हैं वो यहीं से बॉलीवुड में जाएंगे, आने वाले टाइम हमारा टाइम है, आने वाला यार ये आने वाले 10 साल हमारे हैं बॉलीवुड के, तो हम लोग बॉलीवुड में जा रहे हैं, सभी कलाकार, बहुत से कलाकार हैं जिनके गाने भी बॉलीवुड में आने वाले हैं। हरियाणा में कई ऐसे कलाकार हैं जो बॉलीवुड में जाके एक सॉन्ग कराए, धमाका कराए, लेकिन उल्टे फिर उल्टे और हरियाणा में आएगी, उसका क्या कारण है? कारण एक है कि लैंग्वेज को लेकर है, कि अगर आप मिक्सअप कुछ देंगे बॉलीवुड के अंदर तभी कुछ हो सकता है, अगर आप मतलब प्रॉपर वही रखेंगे कि हरियाणवी ही चले प्रॉपर, क्योंकि वर्ल्ड वाइड प्रॉपर हरियाणवी तो लोग समझते नहीं है, तो इसलिए आपको हल्की फुल्की हरियाणवी, हल्की फुल्की हिंदी, हल्की फुल्की पंजाबी मिक्स आप ऐसा तड़का देंगे तो तभी बंदा टिक सकता है अगर लॉन्ग टाइम के लिए, है ना। अगर मान लो आप जैसे बादशाह भाई है, सब जानते हैं बादशाह भाई को, उनका टिकने का यही कारण है कि वो हिंदी लिखते हैं, हिंदी ही रैप करते हैं, और उसमें जो अपना टेस्ट है वो हल्का सा हरियाणवी का रखते हैं, टोन हरियाणवी रखते हैं, तो इसलिए बॉलीवुड में वो टिके हुए हैं, वो टोन पसंद करते हैं लोग, लैंग्वेज जो है वो हिंदी उनकी, तो इसलिए टिकने का ये भी कारण है कि आप थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान रखें तो लॉन्ग टाइम के लिए टिक सकते हैं। अच्छा जी, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो कलाकारी पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत सारा यूथ है जो कलाकारी में आ रहा है, लेकिन उन्होंने सोचा कलाकारी दे काम चल जाएगा, इतने पीछे बन जाएंगे, दूसरा काम नहीं करा, क्या आपके हिसाब से दूसरा काम भी करना चाहिए साथ में? हाँ करना चाहिए दूसरा काम भी, क्योंकि देखो कलाकार अगर जिसका नाम हो गया वो तो दूसरा काम तो क्या करेगा, उसने वैसे कोई साइड बिजनेस वैसे ही छेड़ना होगा, तो ऐसे सभी सबके होते हैं अपने अपने कलाकारों के साइड बिजनेस, लेकिन कलाकारी अगर करनी है तो स्ट्रगल करो पूरा, कोई चीज में अगर पैर धरना है तो प्रॉपर धरो, ऐसा पैर धरो कि उठे ना, है ना। तो म्यूजिक अगर लाइन में आना है तो आप उसकी जानकारी लें, म्यूजिक सीखें, उसकी प्रॉपर जानकारी लेके, और उसके बाद में ही आप उसमें पैर धरेंगे तो अच्छा सा मतलब आप लोग निकल पाओगे चीज से। अच्छा, कई कलाकार मतलब धोखा भी हो जाए, आम सी बात है यार, आपके लिए भी कोई छोटी मोटी ऐसी घटना हुई होगी? देखो ये पर्सनल चीजें हैं, और नहीं बस ऐसी ऐसी की बस ओ ही है, बस और कुछ नहीं, किसी का नाम नहीं ना, सबके गैल हुआ है धोखाधड़ी, तो देखो ये दुनियादारी है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं ऐसा टकर जाता है, आदमी को मिल जाता है ना, तो ऐसी चीजें हो जाती है, लेकिन शो नहीं करना चाहूंगा, सॉरी। चलो जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अंत में आखिरी में जो अपने चाहने वाले हैं उनके लिए क्या संदेश है, या कलाकारों के लिए, यूट्यूबरों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? यही है भी, मस्त खाओ, मस्त रहो, व्यस्त रहो, और अपने माँ बाप का, अपने परिवार का खास
ख्याल रखें, अपने मित्रों का खास ख्याल रखें कि आपकी लाइफ में आपके मित्रों की बहुत अहमियत है। आपके मित्रों के बिना आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि स्ट्रगल लाइफ में उनका भी कहीं ना कहीं हमारे पास ही होगा। तो अपने मित्र प्यारों का भाईचारा बना के रखें, सभी के साथ प्रेम करें। अच्छा जी, अपने चैनल के बारे में क्या कहना चाहोगे सर? चैनल के बारे में ये कहना चाहूंगा कि भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दियो, मना कर दिया है आपने, घंटी दबा दियो सब्सक्राइब करने के बाद में। और जो भी आने वाले जितने भी कलाकार होंगे या जिनकी भाई बाइट लेंगे तो वो इंटरव्यू लेंगे, वो आप देख सकेंगे, नई नई अपडेट मिलेगी भाई के चैनल पर आपने। और भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारे हरियाणवी कल्चर के लिए स्पेशल ये स्ट्रगल में लगे हुए कि कहीं ना कहीं हमारा हरियाणा प्रेजेंट हो वर्ल्ड में। तो भाई को बहुत बहुत थैंक यू अमित भाई, आपको बूस्ट।